الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون मुख्तसर हमदो सलात के बाद सूरतुल माउन की तिलावत की गई है। इस सूरा के सूरे अल माउन रखने की वजह तस्मिया यह है कि सूरा के बिल्कुल अखीर में अल माउन लफ्ज है और इसी लफ्ज को इस सूरा का नाम बना दिया गया। इस सूरह का एक नाम है सूरह अरअयता, चूंकि अरअयता लदी शुरू होता है, इस मुनासिबत से उसका नाम सूरह अरअयता भी है। बाद लोगों ने इस सूरह का नाम सूरह यतीम भी रखा है कि यतीम के मसले को बड़े अच्छे अंदाज में बिल्कुल इख्तिसार से बयान किया गया। ये सूरह मक्की है या मदनी, इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने इस सूरह को मक्की कहा है और कुछ लोगों ने इस सूरह को मदनी कहा। इससे पहले बात आ चुकी है, हिजरत मदीना से पहले जो सूरह नाजिल हुई थी उसका नाम है मक्की, चाहे मक्का के अलावा कहीं और भी नाजिल हुई। और जो सूरह हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है उस सूरह का नाम है मदनी, चाहे वो सूरह मक्का ही में क्यों नाजिल न हुई। यानी कहीं भी नाजिल हो, हिजरत मदीना से पहले वाली सूरह का नाम सूरह मक्की सूरह कहते हैं और हिजरत मदीना के बाद नाजिल होने वाली सूरह को मदनी सूरह कहते हैं। इस सूरह के बारे में मुफस्सिरीन के इख्तलाफ, कुछ लोगों ने मक्की कहा, कुछ लोगों ने मदनी कहा, और फिर इसी मुनासिबत से आयात की तफसीर भी की जाएगी। जिन लोगों ने इस सूरह को मक्की कहा है, इससे अंदाजा होता है इसके मजमून से कि मक्का के इब्तदाई दौर में इस सूरह का नुजूल हुआ था। इस सूरह के खास और मरकजी मजमून कि जो लोग अकीदे आखरत को तस्लीम नहीं करते हैं उनके अंदर बदखुल्की और बदअखलाकी इस हद तक पाई जाती है कि जमाने का सबसे कमजोर इंसान यानी यतीम बच्चा पर भी जुल्म करना ऐसे लोग रवा समझते हैं। गोया इस सूरह का मरकजी मजमून जजा और सजा को याद दिलाना है और अच्छे अखलाक से आरास्ता पर रास्ता कराना है। और अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा नहीं उस शख्स को जो जजा और सजा के दिन को झुटलाता है। लफ्ज अरअयता कुरान मजीद में कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। क्या आप जानते नहीं है, क्या आपने देखा नहीं है, क्या आपको मालूम नहीं है, क्या इसकी खबर आपको नहीं है, इन तमाम के लिए लफ्ज अरअयता इस्तेमाल होता है। यानी समाज में जो लोग जजा और सजा का इनकार करने वाले हैं उनकी बदखुल्की और बदअखलाकी क्या आपने मुशाहिदा नहीं किया है, क्या आपने देखा नहीं है, या फना फना के बारे में आपको खबरें नहीं मिली है। अरअयता के जरिए से खिताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया है या
हर कुरान के पढ़ने और सुनने वाले को किया गया है। मुफस्सिरीन ये बातें बयान करते हैं कि अगर जी मुखातब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया, लेकिन मुराद ये होता है हर वो शख्स जो कुरान का कारी हो या कुरान का सामे हो या कुरान की तालीमात की जिससे खिताब किया जाए, वो सारे लोग इसे मुराद हैं। यानी क्या आपने देखा नहीं, क्या आपने देखा नहीं, क्या आपको मालूम नहीं है, हर शख्स से कुरान मुतालबा करता है। क्या और आई था, क्या आपने देखा नहीं है, अल्लदी युकद्दिमु बिद्दीन, हर उस इंसान को जो दीन को झुटलाता है। या दीन से मुराद दो बातें, या दीन से मुराद दीन इस्लाम है, या दीन से मुराद यौमुद्दीन है, मालिकी यौमुद्दीन, कयामत के दिन का मालिक। दीन जहां जजा और सजा का मसला होगा, जहां लेन देन के मसाइल हल किए जाएंगे, जहां बदला दिया दिलाया जाएगा, उस दिन को दीन से कुरान ने ताबीर किया है। तो कहा क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो कयामत के दिन को झुटलाता है, जजा और सजा के दिन को झुटलाता है, या दीन इस्लाम को झुटलाता है। ऐसे झुटलाने वाले के बारे में क्या देखने को कहा गया या किस चीज की खबर दी जा रही है, उसका तस्किर आगे। फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वो इंसान जो जजा फजा के दिन को झुटलाता है या जजा और सजा के दिन को झुटलाता है, उस इंसान का हाल यह है कि वो फज़ालिकल्लज़ी, ये वही इंसान है, अल्लज़ी यदुउल यतीम, जो यतीम को धक्के मारता है। यतीम को धक्के मारना क्या है? जिस दौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई और आपको नबी और रसूल की हैसियत से बेइज्जत की गई, उस दौर में यतीम बच्चों पर जुल्म करना एक आम सी बात थी, बल्कि घर का फर्द ही, चाहे उसका भाई छोटा है, वो नाबालिगी के आलम में यतीम कहलाते हैं, बड़ा भाई अपने छोटे भाई का हक गसब कर लिया कर दे दे, अलावा इसके अगर कोई गरीब और नादार उसके देखने वाले कोई नहीं है तो आम इंसान भी उसका हक दबा दिया करते थे। जिस माहौल में यतीमों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया जाता हो, उस माहौल में कुरान मुकद्दस की आयत का नुजूल और इस तरह उसका उसकी शनाख्त करवाना, पहचान करवाना, यह इस बात की अलामत है कि इंसान कुरानी आयात की रोशनी में अपने अकीदे को भी संवार ले और अपने अखलाकियात को भी सुधार ले। ये वही है जो यतीम को धक्का देता है। यतीम से मुराद वो बच्चा वो बच्ची जो नाबालिग है और उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। किसी बड़े आदमी के वालिद का इंतकाल हुआ वो यतीम नहीं होता। जब तक बच्चा नाबालिग रहता है, सिन्ने शऊर को नहीं पहुंचता है, तब तक ही उसको यतीम कहा जाता है, क्योंकि वो कमजोर होता है, छोटा होने के नतीजे में या शऊर ना होने के नतीजे में अपने माल के वो सही इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो समाज से कहा गया ऐसे बच्चे की किफालत करना, उसकी निगरानी करना, उसकी देखरेख करना, उसके माल दौलत की इबादत करना, उसके बुलूक तक पहुंचने तक उसकी निगहदाश्त करना समाज के हर अच्छे इंसान की जिम्मेदारी है। अब अगर कोई इंसान समाज में ऐसे यतीम नादार के साथ बदसलूकी करता हो, उसे घर से निकालता हो, उसका माल हड़प कर लेता हो, या उसका माल जल्दी जल्दी खर्च कर देता हो, इबादत के नाम पर माल उसके पास जमा हुआ फिर उसका माल खर्च कर दिया, ताकि जब इसका माल खर्च हो जाएगा ये हमारा ही दस्ते नगर रहेगा, हमारा मोहताज रहेगा, हम जिस तरह जाएंगे उसके साथ बर्ताव करेंगे। अब घर में रखा तो झाड़ू पोछा काम करो, मुठिया का काम करो, इधर उधर का काम करो, तुम यतीम हो। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अना वकाफिरुल हतीम, अना वकाफिरुल यतीम हाकदा औ कमा काल, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में दोनों इस तरह होंगे। मुराद क्या है?
जिस तरह इन दोनों अग्नियों के दरमियान ज्यादा फासला नहीं है, उसी तरीके से दुनिया में यतीम की किफालत और निगरानी करने वाला इंसान हमारे करीब जन्नत में होगा। बहुत बड़ी बात है। जिस दौर में, जिस समाज में यतीमों को दबाया जाता था, कुचला जाता था, उस दौर में इस्लाम की अखलाकी तालीम यह दी गई कि आप यतीम के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए और उसकी निगहबानी और निगहदाश कीजिए। जो इंसान जजा और सजा के दिन को झुठलाता है, उसकी सबसे बड़ी खराबी कुरान ने बयान की है, वो यतीम को धक्के मारता है। दूसरी खराबी, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, वो यतीम के खाना देने पर या खाना खिलाने पर एक दूसरे को तरगीब नहीं देते। एक है खुद खाना खिला देना, दूसरा दूसरों को भी रगबत दिलाना। हमारे पास अगर कुछ है, हमने खिला दिया, उतनी सलाहियत नहीं कि ज्यादा हम कर सके, तो किसी दूसरे इंसान को भी रगबत दिलाए कि भाई फला फला यतीम है, मिस्कीन है, गरीब है, नादार है, मोहताज है, मजबूर लाचार है, जरा उनका ख्याल रख के आ जाए, उनकी खिलाए पिला जाए, कम अज कम उनका इतना सपोर्ट हो जाए कि वो खाने पीने के लिए परेशान ना हो। कहा वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, जजा और सजा के दिन को झुटलाने वाला इंसान की दूसरी खराबी यह है कि मिस्कीन के खाना खिलाने पर उभारते नहीं। इससे पहले बात आपके सामने आ चुकी है, कुरान ने कहीं मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कहीं फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया। इन्नमा सदकातु लिलफुकरा वल मसाकीन, फकीर वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, मिस्कीन वो होता है जिसके पास कुछ तो होता है लेकिन दिक्कत से उसका गुजर बसर चलता है, बिल्कुल उसके हाथ खाली नहीं है, उसके पास कुछ माल है लेकिन इतना नहीं है जिससे उसकी पूरी सहूलत के साथ जिंदगी गुजर जाए। तो कहा जिसके पास कुछ माल है लेकिन तंगी से उनका मामला गुजरता है, तो ऐसे इंसान को मिस्कीन कहा जाता, उसके रकबा उसके खाना खिलाने की तरगीब देनी चाहिए। कुरान का मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र के वाकया में अम्मा सफीनत फकानत लिलमसाकीन, ये जो कश्ती है वो चंद मिस्कीनों की कश्ती है, वो उसी से गुजर बसर करते हैं, उसी को चलाते हैं, उसके भारा उठाते खाते हैं। तो जिसके पास कश्ती हो उसको कुरान ने मिस्कीन कहा है। हो सकता है किसी के पास आज गाड़ी मौजूद है, वो सवारी के तौर पर किराए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो गाड़ी हो जाने से वो इंसान अमीर नहीं हो जाता, कश्ती उनके पास मौजूद थी उसको मिस्कीन कहा है, क्योंकि उसी से उनका गुजर बसर चलता था और बदिक्कत गुजर बसर चलता था। तो अगर कोई आदमी रखता है आपके सामने बड़ा अच्छा कपड़ा पहने हुआ है, कुछ गाड़ी पे कभी कभी चढ़ता भी सवार भी होता है, वो जरूरी कि वो इंसान मालदार भी होगा। बहुत से लोग हो सकता पहले मालदार रहे हो, फिर उसके हालात खस्ता हो गए, खराब हो गए, तो मेंटेन करने के लिए उस चीज को सामने रखते हैं। सफेद पोश होने के बावजूद, उसकी जबान न खुलने के बावजूद कुरान कहता है कि बहुत से लोग उसे मालदार समझते हैं उनके जबान न खुलने के नतीजे। यह सबहुमुल जाहिलु अग्निया मिनत ताफुफ, सवाल नहीं करते हैं तो उसे मालदार समझते हैं। तो जो लोग खर्च करते हैं माल, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने मस्जिद में, अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपने सोसाइटी और माहौल में ऐसे इंसान की तलाश करे, उनके बारे में खबरगीरी करें, ऐसा लगे कि जरूरतमंद है, चुपके से उनकी मदद करें। वरना लब्बाक किस्म के लोग आपके पास आएंगे, आपकी चापलूसी करेंगे और आराम से लूट खड़ूस के लेके चले जाएंगे। अब उनको खिलाइएगा, पिलाइएगा, रहने सहने की सहूलियात दीजिएगा, वो आराम से करते हैं। क्यों? वो लब्बाकी भी करते हैं और आपकी खुशामद भी करते हैं। खर्च करने वाले को कुरान ने यह मिजाज दिया कि समझो, तो कहा जो लोग जजा सजा के दिन यानी कयामत के दिन को झुटलाते हैं, वो अखलाकी दिवालियापन से दो चार होते हैं, वो यतीम बच्चा तक के हुकूक को अदा नहीं करते हैं, मिस्कीन जो जमाने का
फुवर किस्म के लोग, कमजोर नादार किस्म के लोग होते हैं, उनकी देखरेख भी नहीं करते, खुद तो नहीं करते, दूसरों को भी खर्च करने नहीं देते। ऐसे भी लोग हैं, एक आदमी अगर किसी पे खर्च करता है तो ऐसे कंजूस, मक्खी चूस, तंग नजर, तंग फिकर लोग भी होते हैं, क्यों खर्च करते हो, खुद तो करते नहीं, दूसरों को भी मना करते हैं। जिनको मना किया गया वो भी ऐसा है कि उस पर तवज्जो ही नहीं देते, कह दिया, सुन लिया और उसके बाद मना रोक दिया। भाई अगर किसी ने कुछ कहा है और किस जज्बे, किस इरादे से आप खर्च कर रहे थे, उसको भी तो देखिए। लेकिन किसी ने किसी मकसद के तहत आपके कान में कुछ कह दिया और आप उसके बरखिलाफ हो गए और लेना देना सब बंद कर दिया। तो कहा वला यहुद वाला तामिल मिस्कीन, ये मिस्कीन के खाने खिलाने पर उभारते नहीं, रगबत नहीं दिलाते। रगबत वही दिलाएगा, हम 2 रुपया खर्च करते हैं, भाई आपके पास 5 रुपया खर्च करने की सलाह है, कुछ आप भी खर्च कीजिए। जो सब हड़प के बैठा होगा वो सोचा किसी को दे नहीं, ताकि हमारी तरह उनकी भी, उनका भी नाम ही होगी, भी बखील और कंजूस है। वरना एक इंसान बखील बना हुआ है, दूसरा इंसान फयाज बना हुआ है, तो बखील तो घुट घुट के मर जाएगा। वो कोशिश करता है अपने ऐसा हमनवा तैयार करने की। ये सारा मामला कब होता है, उनको समझ में आता है कि दुनिया की ये दौलत और माल हमारा है, मिल्कियत में, हमारे इख्तियार में है, हम जैसे चाहे इस्तेमाल करें। अगर उन्हें एहसास हो जाए कि आपके माल में गरीब और नादार का हक है, हक़ुल लिस्साइल वल महरूम, तो फिर आप कभी ऐसा नहीं सोचिएगा, बल्कि आप खर्च करने के लिए तैयार रहिएगा अपनी वसत के मुताबिक, इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक। फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस हलाकत है, बैल है, इससे पहले बात आ चुकी है, बैल जहन्नम के गड्ढा का नाम भी है और बैल का माना हलाकत और बर्बादी, तबाही है। यानी ऐसे इंसान के लिए जिसके तस्किर आगे आ रहा है, फवैलुल लिल मुसल्ली, नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम का गड्ढा है बैल, या नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही और बर्बादी है। बोलेगे नमाज पढ़ने वालों के लिए क्यों होगी, जो नमाज पढ़ता है, आगे थोड़ी उसकी विदात है। अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाज पढ़ने वाले जो अपनी नमाज से गाफिल रहते, अपनी नमाज में भूलते नहीं, सहा या सू के माना होता, सहा का माना होता है भूल जाना, इसलिए सजदा सौ होता है। तो नमाज में भूल जाना कोई गलत चीज नहीं है, नमाज में भूलना ये तो माफ है, फिर उसका, उसके लिए आपको सजदा सौ करने की तालीम देगी। लेकिन अगर कोई इंसान नमाज से बेरगबती बरतता है, नमाज को भूल जाता है, नमाज में नहीं नमाज ही को भूल जाता है, नमाज का एहसास या नमाज की अहमियत का उसे एहसास नहीं होता है, या नमाज पढ़ता है तो जिस तरह जाता है वैसे मनमानी पढ़ लेता है, उसका खास ख्याल नहीं करता, ये सब साहून में दाखिल है। उन नमाजियों के लिए तबाही है, या जहन्नम का वैन नामी गड्ढा है, जो नमाज से जी चुराते हैं, जो नमाज में गफलत बरतते हैं, जो नमाज से कोताही करते हैं। अब अगर इस सूरह को मानते हैं कि मक्की सूरह है, तो आप कहेगा मक्का में तो नमाज फर्ज नहीं हुई थी, फर्ज नमाज तो मदीना में हुई है जमात के साथ। तो मुफस्सिरीन ने सिलसिले में बात लिखी है कि दीन इब्राहिमी में नमाज मौजूद थी, उन लोगों ने दीन इब्राहिम को अदल बदल कर दिया, उसका हुलिया बिगाड़ दिया। यही वजह है कि वो लोग हरम से रिश्ता जोड़ते थे, काबा के इर्द गिर्द में 360 बुत को नसब कर दिए थे, लेकिन उनका हरम आना जाना मजहबी कहलाने के लिए हरम आना जाना होता था, काबा के पास आना जाना उनका होता था। फिर वो जहर सी बात है कि नमाज तो शरीयत में थी, लेकिन उसकी बिगड़ी हुई शक्ल में क्या कर दिया कि लोग नमाज के बहाने से हरम शरीफ पहुंचते, मक्का की खाने काबा के पास पहुंचते, फिर करते क्या थे, मकान सलातु मिंदल बैतिल्ला मुकाम व तस्दिया। कुरान में कहा बैतुल्लाह के पास इनकी नमाज का हाल यह है, या तो तालियां पीटते हैं या सीढ़ियां बजाते हैं। ये कुफार की नमाज का तस्करा कुरान ने किया, उसी की नक्काली आज
बिरादरान वतन के मंदिरों में है, वो ताली भी पीटते हैं, थाली भी पीटते हैं, संग भी बजाते हैं, बल्कि कह लीजिए और उसी की बिगड़ी हुई शक्ल खानकाओं में है कि ताली पीटते हैं, नाचते भी हैं और गाते भी हैं और इस किस्म की हरकतें भी करते हैं। जो लोग बीदर हकीकत इबादत की जगहों से दूर रहकर एक अलग खानका बनाकर, जो असल में खामखाई होता है, फिर वहां लोगों की तवज्जुहात को माइल करने के लिए नमाज के कुछ एहतमाम तो करते हैं, लेकिन नमाज जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो वहां भजन कीर्तन की शक्ल की जो चीजें होती हैं उसे बड़े एहतमाम के साथ लोग करते हैं। तो कहा फवैलुल मुसल्लीन, उन मुसल्लियों के लिए, नमाजियों के लिए हलाकत और बर्बादी है जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं या जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। फिर उसकी सूरत क्या होती, अल्लदीन हुम युराउन, जो लोग नमाज तो पढ़ते हैं, हरम शरीफ तो आते हैं, मौजूदा दौर में नमाज पढ़ने की जगह में आते हैं या मस्जिद में आते हैं, मकसद क्या होता है, अल्लदीन युराहुम युराउन, जिनका मकसद होता है दूसरे को अपना दिखा देना कि हम भी मौजूद थे वहां। नमाज पढ़ना मकसद कम होता है, लेकिन कल्ला दिखाना मकसद होता है, गिनती कराना मकसद होता है, अपनी हाजिरी दिखाना मकसद होता है। यही वजह है कि मस्जिद में आने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करने के बजाय कभी इधर झांक रहा है, कभी उधर झांक रहा है, कभी उधर झांक रहा है, कल्ला ऊंचा होता करके दूसरे को दिखाता फिरता रहता है। याद रखिएगा, मस्जिद इबादत की जगह है, खामोशी से आइए, नमाज पढ़िए, जमात से नमाज हो गई, घर चले आइए। अगर आपके घर में सहूलत है तो सुन्नत घर में पढ़ के आइए और फिर जाकर सुन्नत घर में पढ़िए, यहां फर्ज पढ़िए और चुप से निकल जाए। लेकिन आज के लिए मस्जिदें मनोरंजन का एक जरिया बन गई, दुनिया भर के सारे इख्तलाफात का मरकज बना दिया। घर में सास बहू का झंझट हो या बाप बेटे का झमेला हो, वो सारा झमेला, घर का सारा झमेला इंसान मस्जिद में लाके पटक देता है। फिर वहां अपनी आवाज ऊंची करना, अपनी शान और शौकत बगाड़ना और लोगों के सामने तासुब दिखलाना कि हम भी यहां हाजिर रहते हैं, ये सब दर हकीकत दिखावे की शक्ल है। अल्लाह माफ फरमाए, फरमाया अल्लदीन हुम युराउन, ये वो लोग हैं जो दिखाने के लिए काम करते हैं, सदका किया दिखाने के लिए, नमाज पढ़ी दिखाने के लिए, मस्जिद की हाजिरी दिखाने के लिए, कोई अच्छा काम किया तो दिखाने के लिए। तो अगर कोई इंसान दिखाने वाला काम करता है वो दर हकीकत आखरत को फरामोश कर बैठा है, क्योंकि जानता है आखरत कुछ है ही नहीं, मरेंगे तब तो हिसाब किताब होगा, दोबारा जिंदा होंगे तब तो हिसाब किताब होगा, यहाँ तो दोबारा जिंदा होने और हिसाब किताब का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इसलिए जो काम करेंगे करेंगे, दुनियावी एतबार से नाम हो जाएगा नाम हो जाएगा। उसी को कुरान के मुकद्दस की दीगर मकामात पर इस तरह बयान किया है, मुनाफिकों की नमाज से मुतल्लिक कहा गया, वइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराउनन्नास, जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती आए हुए, कसमसाते हुए, उकताए हुए, थके मादे नमाज के लिए खड़े होते हैं। फिर खड़े इसलिए होते हैं, अगर नहीं आएंगे तो लोग समझेंगे कि नमाज भी नहीं पढ़ता है। तो नमाजियों की गिनती में, नमाजियों की फेहरिस्त में अपने नाम दर्ज कराने के लिए आते हैं, मकसद अल्लाह की बंदगी करना नहीं। ये तिलक सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक की नमाज बताएगी। हर इंसान को अपने अपने नमाज से मुतालिक फैसला कर लेना चाहिए। तो अगर इस सूरह को मक्की सूरह मानते हैं तो कुफार की उन नमाज का तस्करा किया गया कि जो दीन इब्राहिमी नमाज की असली कैफियत थी उसको लोगों ने भुला दिया और मस्जिद में आके तालियां बजाना और सीटियां बजाना शुरू कर दिया। और अगर इसको मदनी सूरह मानते हैं, इसका मतलब यह है कि मुनाफिकीन की नमाज का तस्करा किया गया है कि मुनाफिकीन लोग नमाज को भूल जाते हैं, नमाज से बेतनाई बरतते हैं, नमाज पर खास तवज्जो ही नहीं देते हैं। हाँ, अगर नमाज के लिए आते भी हैं, उनका मकसद नमाज पढ़ना कम होता है, लेकिन दिखावा करना, रिया नमूद करना और लोगों के सामने नुमाइश करना ज्यादा होता है। और इसकी अखीर आयत है वयमनऊन अल माऊन, माऊन का माना माऊन मैन से बना है, मामूली चीज,
बाज़ उलमा ने इसकी तफसीर ये की, मामूली चीज को भी किसी गैर को देने से रोक लेते। दूसरे मुफस्सिरीन तर्जमा किया कि माल का हक अदा नहीं करते, माल का हक अदा करने के बजाय माल को रोक के रखते। पहली आज सुनिए, और बिद्दीन, क्या आपको उस शख्स का हाल मालूम है जो आखिरत के दिन को झुठलाता है, जजा सजा के दिन को झुठलाता है, फैसला के दिन को झुठलाता है? है कुछ खबर? नहीं खबर है तो सुनिए, जो इंसान जजा सजा को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता, अखलाकी तौर से उनके अंदर ये खराबियां पाई जाती। जिस दिन इंसान के अंदर ये एहसास हो जाएगा कि हमें मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी है और अहले हुकूक के हुकूक अदा करना है, अल्लाह का भी हक अदा करना है और बंदों का भी हक अदा करना है। इससे पहले कई बात आ चुकी है, कुरान में देखिएगा जगह जगह पर सात सात अकीमुस्सलावातुज़्ज़का, नमाज कायम करो ज़कात दो, नमाज कायम करो ज़कात दो। क्यों? नमाज को दर हकीकत हुकूकुल्लाह की एक मिसाली शक्ल करार दी गई और ज़कात को हुकूकुल इबाद की अदायगी की शक्ल करार दी गई। मतलब क्या हुआ? नमाज पढ़ने वाले की जिम्मेदारी अल्लाह के पूरे हुकूक को अदा करो, ज़कात देने वाले की जिम्मेदारी बंदों के सारे हुकूक अदा करो। इन हुकूकुल्लाह की अदायगी के लिए नमाज को बुनियाद बनाया गया और हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए ज़कात की बुनियाद बनाई गई। जब इंसान नमाज पढ़ता है वो पांच वक्त की नमाज इस तरह पढ़ता है उनका सारा कारोबार छूट जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जमात नहीं छूटनी चाहिए। बंदों के हुकूक को मानने वाला, तस्लीम करने वाला ज़कात की शक्ल में ये मानता है माल हमारे पास ज़कात की फर्जियत के लायक ही है, यह अंबार लगा हुआ है, उन तमाम माल की गिनती हम करेंगे और शरीयत मुताहरा के मुताबिक उसका हक अदा करेंगे, फकीरों का और मिस्कीनों का और यतीमों का और नादारों का, या जिनके जिनके हमारे जिम्मे हुकूक है उन तमाम के हुकूक की अदायगी करेंगे। इस लिहाज से मिसाली शक्ल में नमाज का हुक्म दे करके हुकूकुल्लाह की अदायगी की तालीम दी गई है और ज़कात का हुक्म दे करके हुकूकुल इबाद की अदायगी का दर्स दिया गया। तो इस सूरह ने कहा कि जो इंसान आखरत को मानता है वह अल्लाह का भी हक अदा करता है और बंदे का भी हक अदा करता है। उसका अगर मफहूम मुखालिफ लेंगे कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह का हक नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता या ज़कात नहीं देता, वह दर हकीकत अमली तौर से आखरत का इनकार करता है। अगर चिपकौली तौर से जबान से इकरार करता है कि हम मानते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरी व शर्री वगैरह ज़ालिक, मानते हैं, ये कौन से मानते हैं, लेकिन अगर हमारा अमल उसके बरखिलाफ होता है, इसका मतलब यह है कि अमली तौर से मानने के लिए तैयार नहीं। तो इस सूरे में दर हकीकत समाज में पाई जाने वाली बास खराबियों और बुराइयों का तस्करा किया और उसकी वजह बतलाई है कि जो इंसान इन बदखुल्कियों से दो चार होता है तो वह दर हकीकत आखरत का इनकारी होता है, या जो इंसान आखरत का इनकार करने वाला होता है वो इन चीज़ों को समझता ही नहीं है। वो यतीम को धक्के दे दे या मिस्कीन को खाना खिलाने की रगबत न दिलाए, वो नमाज पढ़े कि ना पढ़े, पढ़ना हो तो दिखाने के लिए पढ़े या मामूली मामूली चीज खर्च करने के लिए तैयार। कहा वयमनऊन अलमाउन, ये मामूली खर्च करने की चीज को भी रोक लेते हैं। वसीरे लिखा जैसे एक साथ लोग रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में कभी किसी को चूल्हा जलाने के लिए लाइटर खत्म हो गया, माचिस खत्म हो गई, आपने मांग लिया, कभी नमक खत्म हो गया मांग लिया, खाना पकते पकते गैस खत्म हो गया गैस मांग लिया, सब मामूली चीजें होती हैं। कहा अगर समाज में आप रहते हैं एक साथ रहने वालों के साथ ऐसे मसाइल खड़े हो सकते हैं तो आपने मांग लिया तो नहीं देने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर इसको भी लोग रोक लेता है, नमक पानी नहीं दिया, थोड़ा से थोड़ी चीनी नहीं दिया, थोड़ा माचिस नहीं दिया या कुछ हड्डियां बर्तन नहीं दिया, कभी कोई मेहमान आ गया तो कुर्सी और चादर नहीं दिया, ये दर हकीकत वो लोग हैं जो मामूली चीज को भी देने के लिए तैयार नहीं है। दर हकीकत ये लोग अपने अमल के जरिए से इस बात का सबूत फराहम करते हैं कि आखिरत कोई चीज नहीं है, वह हिसाब किताब होना नहीं। तो अगर कोई इंसान
आखरत को हिसाब किताब का दिन मानता है वो इस किस्म की बदखुल्कियों से और बद अखलाकियों से अपने आप को पाक साफ रखता है। तो सूरह अलमाउन में बाज़ाब्ता हमें दर्श दिया गया कि हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि अगर हमारे समाज में कहीं यतीम और नादार है तो हमें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमारे मुआशरे में कुछ गरीब तबका के लोग हैं, उनके खिलाने पिलाने का नज़्म नस भी करना चाहिए। हमारे समाज में अगर नमाज में सुस्ती हो रही है तो नमाज की दावत भी देनी चाहिए और उसे याद भी दिलाना चाहिए। फिर हमारे समाज में अगर ये खराबी पाई जाती कि लोग नमाज पढ़ने आते हैं लेकिन नमाज पढ़ने से मुराद उनका बघारना और दिखाना ही होता है, उनकी सही तालीम और तरबियत और उसकी तरगीब भी होनी चाहिए कि सही चीज़ों के मुताबिक अमल करें। इसी तरीके से अगर बखीली और कंजूसी इंसान करता है तो ऐसे इंसान को तालीम दी जाए, दुनिया का सारा सरमाया आपका रह जाएगा, आंख बंद डब्बा गायब, सारी चीजें आपकी रह जाएगी और कुछ आपके साथ जाने वाली नहीं है। अगर आपने माल कमाया है, आपके पास माल है, अपना हक भी अदा कीजिए, अपने घर वालों का हक अदा कीजिए, अगल बगल के लोगों का भी हक अदा कीजिए, इस्लाम और दीन का भी हक अदा कीजिए, तो उन चीजों के करने के नतीजे में यहां भी आप फलते फूलते रहेंगे और मरने के बाद भी आपको कामयाबी अदा की जाएगी। इस मुनासबत से इस सूरह के इस पैगाम को याद रखिए। इसका मरकजी उन्वान और मरकजी मजमून यह है कि बदखुल्कियों से आदमी को परहेज करना चाहिए और कंजूसी और माल के हरीस होने से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। और समाज में मिलजुल के रहते हुए कुछ लेने देने की बारी आए तो उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हमें और आपको और जुमला मुसलमानों की किताब सुन्नत की रोशनी में अकीदा अमल बजा लाने की तौफीक बरामद फरमाए।